बाहुबली एक ऐसी फिल्म जो अपने स्टेट और अपने कंट्री से बाहर पूरे दुनिया में अपने नाम का डंका बजवाया। जहां बॉलीवुड के बड़ी बड़ी बजट के फिल्म फ्लॉप होते देखी, वहीं बाहुबली ने अपने नाम का लोहा बनवाया। बाहुबली ने इंडियन ऑडियंस को ये बताया कि रियल और रिमेक में क्या अंतर है। ये महेशमति साम्राज का महल है, हालांकि ये है तो एक स्टूडियो, मगर कारीगरों ने इसे इस अंदाज में बनाया है कि हमें आज से 400 साल पुराना भारत की याद दिलाती है, जब भारत में राजा महाराजों का राज हुआ करता था। मूवी में आपने ये बैल वाला सीन तो देखा ही होगा, जो हर किसी को अपने तरफ बड़े आसानी से आकर्षित कर लेती है। आप सोच रहे होंगे, आखिर प्रभास इतने आसानी से एक बैल से दूसरे बैल पे कैसे छलांग लगा लेते हैं? तो इन्हीं सब सवालों का जवाब देंगे हम आपको इस वीडियो में, और साथ ही साथ देखेंगे कि आखिर किस तरह इस फिल्म की शूटिंग की गई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस सीन के बारे में बात करेंगे, जहां पिंडारी अपने पूरे सेना के साथ यहां पे हमला कर देते हैं। वहीं हमें प्रभास को दिखाया जाता है जो एक बैल से दूसरे बैल पे छलांग लगाते हुए नजर आते हैं। इस वाले सीन को शूट करने के लिए डमी बैलों का झुंड बनाया जाता है, और फिर उसे सीजीआई के मदद से इस तरह दिखाया जाता है जैसे मानो प्रभास डमी बैल पे नहीं ओरिजिनल बैल पे छलांग लगा रहे हैं। वहीं हमें प्रभास को एक डैम खोलते हुए दिखाया जाता है, जिसके पानी के बहाव से सारे पिंडारी बह जाते हैं। वहीं अब प्रभास को एक बड़े से लकड़ी में हुक लगाते तो देखा ही होगा। आप देख सकते हैं इस सीन को कैसे शूट किया जा रहा है। दरअसल इस सीन की शूटिंग पहाड़ी इलाकों के मैदानी क्षेत्र में किया गया था, और बड़े बड़े गोले लगाकर उस पे प्रभास को चलते हुए दिखाया गया था। दरअसल इस सीन की शूटिंग के लिए कोई भी डबल बॉडी का सहारा नहीं लिया गया था, खुद प्रभास अपनी मेहनत और अपनी दम पर इस सीन को अंजाम दिए थे। वहीं हमें दूसरी तरफ पानी का सीन दिखाया जाता है, जो एक बड़े से सैलाब की तरह आता है। आप सोच रहे होंगे, आखिरकार इस पानी वाले सीन को कैसे शूट किया गया? इसके लिए सबसे पहले एक डमी डैम बनाया जाता है। आप देख सकते हैं कुछ कारीगरों की मदद से एक डमी डैम तैयार किया जा रहा है, जहां इसे बनाने में थोड़ी लकड़ी और थोड़ा कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है। आप इस वीडियो में एक लड़की को देख सकते हैं जो देवसेना के महल के दीवारों को बड़े ही बारीकी से डिजाइन कर रही है, जो दिखने में तो काफी छोटा है, पर फिल्म में हमें ऐसे दिखाया गया जैसे मानो किसी माउंटेन से भी ऊंची ये महल के दीवार। वहीं आप इस सीन की शूटिंग देख सकते हैं, जहां एक्शन बोलने पर पानी को छोड़ा जाता है और एक बड़ा सा कैमरे के मदद से इस सीन को शूट किया जाता है। यहां पर एक चीज नोटिस करने वाली यह है कि इस सीन को दिन में शूट किया गया था और फिल्म में हमें ये सीन को रात के समय दिखाया गया। बाहुबली फिल्म में आगे हम एक ऐसा सीन देखेंगे जिसे देखने के बाद आप सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, ओह माय गॉड। दरअसल इस सीन को शूट करने के लिए एक आदमी डमी बैल का सर लेकर देवसेना की तरफ बढ़ता है, और प्रभास उस बैल से देवसेना को बचा लेते हैं। आपको बता दें, इस सीन को भी VFX के मदद से शूट किया गया था। फिल्म में आपने यह सीन तो देखा ही होगा, जब भल्लाल देव एक तगड़े बैल के साथ कुश्ती लड़ते हैं। आप हैरान होंगे, आखिरकार इतने तगड़े बैल के साथ भल्लाल देव कुश्ती कैसे लड़ लेते हैं, और इतने परफेक्ट तरीके से इस सीन की शूटिंग कैसे की गई? इन्हीं सब सवालों के जवाब देंगे हम आपको इस वीडियो में। इस सीन की शूटिंग में जब भल्लाल देव बैल को धक्का देते हैं, तो इसके लिए फिल्म मेकर ने एक डमी बैल बनाया था जो एक स्लाइड पर था, जो इसे खींचकर आगे पीछे कुछ इस तरह किया गया था, और इसकी शूटिंग ग्रीन पर्दे के पीछे की गई। बाद में उसे VFX के मदद से कुछ इस तरह दिखाया गया जैसे मानो ये कुश्ती महेशमति के महल के अंदर हुआ हो। फिल्म में कुछ सीन ऐसे भी थे जो CGI के मदद से शूट किया गया था। जब भल्लाल देव इस बैल को जमीन पर पटकते हैं, तब हमें एक ग्रीन मैन को दिखाया जाता है जो अपने तरफ से बैल का सर लेकर ताकत लगाता है। इस फिल्म में आपको भल्लाल देव का राज अभिषेक तो याद ही होगा, जहां हजारों की तादाद में घोड़े और सैकड़ों हाथियों के साथ इस राज अभिषेक को कराया जाता है। लेकिन आप सोचेंगे, इतने सारे हाथी एक ही डायरेक्शन में ऑटोमेटिक कैसे काम करते हैं? तो आपको बता दें, इस सीन को कुछ इस तरह शूट किया गया था। आपको यकीन नहीं होगा, इस सीन की शूटिंग देख के लोहे के फ्रेम पर कुछ लोगों को बैठा कर शूट किया गया था, और बाद में उसे VFX के मदद से एडिट करके इन लोगों को हाथी पर बैठा हुआ दिखाया गया था। फिल्म में आगे हमें एक सॉन्ग की शूटिंग दिखाई जाती है, जहां बाहुबली पानी के धार से हिमाचल से भी ऊंची माउंटेन पे बड़े आसानी से चढ़ जाते हैं। हालांकि इस सीन की शूटिंग किसी झरने के पास नहीं, बल्कि हैदराबाद के स्टूडियो में शूट किया गया था। यहाँ पर हमें कुछ बड़े पत्थर के पीछे नीले बैकग्राउंड दिखाए जाते हैं, जो लड़की के बुलाने पे प्रभास बड़े आसानी से जंप करके एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर चले जाते हैं। दरअसल इतनी दूर छलांग वह सिर्फ वायर की मदद से ही लगा सकते हैं, वह भी ग्रीन पर्दे के पीछे। बाद में उसे VFX की मदद से फिल्म में कुछ इस तरह दिखाया जाता है जैसे वो सचमुच किसी बड़े से झरने के पास से छलांग लगा रहे हो। इसी गाने में हमें तन्नू को काफी जगह पर उड़ते हुए दिखाया जाता है, जो कि सच नहीं है। इस सीन की
शूटिंग के लिए तमन्ना को वायर की मदद लेनी पड़ती है, तब वह एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाती हैं। इस मूवी में आप ऐसे ऐसे सीन देख सकते हैं जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, पर ये सारे सीन की शूटिंग रियल में की गई थी, वह भी नीले और ग्रीन बैकग्राउंड के पीछे पूरे सेफ्टी के साथ, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब आप महेश मती के इस महल में एक नहीं दो नहीं बल्कि लाखों के तादाद में सेना, हजारों के तादाद में प्रजा को देख सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि इस सीन को शूटिंग करने के लिए काफी सारे छोटे एक्टर्स को बुलाया गया था, लेकिन ये सच नहीं है, बल्कि इस सीन की शूटिंग कुछ गिने चुने लोगों के बीच की जाती है। बाद में उसे CGI की मदद से लाखों के तादाद में सेना का झुंड दिखाई जाती है। फिल्म में काफी जगह पे हमें तलवार फाइट का सीन दिखाया जाता है, जिसकी प्रैक्टिस दूसरे देश से बुलाए गए किसी अच्छे मास्टर के साथ की जाती है, जो भलाल देव और प्रभास को काफी अच्छी ट्रेनिंग देता है। दोस्तों, इस फिल्म के शूटिंग के समय आप काफी सारे लोगों को देख सकते हैं जिनके मदद से यह फिल्म सक्सेसफुल रही और अब तक के सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन सिनेमा बन चुकी है। वहीं अब इंडियन सिनेमा प्रेमी को बाहुबली 3 का बहुत बेसब्री से इंतजार है, जहां इस फिल्म में एक अलग तरीके की कहानी और एक्शन दिखाया जाएगा। आपको बता दें, बाहुबली 3 में 2 लोगों की जगह पक्की है, बाकी का पता नहीं। इनमें से पहला है राजा मौली, जिसके देखरेख में ये दोनों फिल्म तैयार किया गया, और दूसरा है प्रभास, जिसके एक्टिंग के कारण ये फिल्म पूरे दुनिया में मशहूर रही। दोस्तों, अगर आप प्रभास के फैन हैं या साउथ फिल्म देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ट्रेंडिंग रॉकी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको किस तरह का मूवी का बिहाइंड द सीन देखना पसंद है।